स्वागत है आपका अगले वीडियो में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, जिसमें सबसे पहले तो हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को कराने के लिए नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यूज़ दोनों ज़िम्मेदार होते हैं। हमने नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था क्लास 9th में। जब आप एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, ठीक है ना, तो आप क्या देखते हो, ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो अर्जेंट भी होती है और डेंजरस भी होती है। मतलब किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना अब आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक है और आपको तुरंत उस डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। तो आपको पहचान भी लेना चाहिए बहुत जल्दी कि ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है, और फिर आपको रिस्पॉन्स भी एकदम से देना पड़ेगा। तो हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट? तो आपको कैसे पता चलता है कि आपने कोई गर्म चीज़ या कोई गर्म ऑब्जेक्ट टच कर लिया है? हाउ? तो ऑल द इंफॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। तो जो आप इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर रहे हो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नर्व सेल। इसी का काम होता है किसी भी स्टिमुलस, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, स्टिमुलस को रिसीव करना, समझना। और नर्व सेल में जो रिसीविंग करने का काम है वो है डेंड्राइट्स का। हमारे सामने ये डायग्राम बना हुआ है नर्व सेल का। नर्व सेल में जो मैसेज रिसीव करने का काम है वो डेंड्राइट्स का है, और डेंड्राइट्स के पास से जो मैसेज है इट कम्स टू द सेल बॉडी। तो डेंड्राइट से मैसेज कहाँ पे आ गया? सेल बॉडी के पास। देन इट इज़ प्रोसेस्ड एंड देन इट गोज टू द एक्सॉन। तो ये येल्लो वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है बीच में लॉन्ग, दैट इज़ द एक्सॉन। और ये जो आपको वायलेट कलर की शीट दिखाई दे रही है ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, तो ये माइलिन शीथ जो है इंसुलेशन का काम करती है। एक्सॉन के ऊपर इंसुलेशन फॉर्म होता है जिससे नर्व इम्पल्स फास्ट कंडक्ट होता है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन, ऐसे नर्व इम्पल्स आया और अब वो एक्सॉन के थ्रू होता हुआ किधर जा रहा है? नर्व एंडिंग में। दीज आर द नर्व एंडिंग्स, ओके, एंड फ्रॉम नर्व एंडिंग्स द स्टिमुलस और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज नाउ ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन और टू द मसल फाइबर। यानी ये जो अपने को नर्व एंडिंग दिखाई दे रही हैं लास्ट में, इन नर्व एंडिंग से यहाँ से जो मैसेज है या तो वो मसल पे जाएगा या वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर चला जाएगा। तो जो नर्व इम्पल्स है, ध्यान से सुनो, नर्व इम्पल्स या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये कहाँ जनरेट हो रहा है? न्यूरॉन में। न्यूरॉन में जब ये जनरेट होता है क्यों होता है? बिकॉज क्या होता है? कोई स्टिमुलस होता है एनवायरनमेंट में, उस स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है डेंड्राइट में। किस फॉर्म में? नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में। और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेल बॉडी से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग पे जाता है और यहाँ से वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है, या नेक्स्ट जो आगे चल के टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पर, जो मसल होती है वहाँ पर जाता है। और इस तरह से कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का न्यूरॉन में। आइए पढ़ते हैं इसको। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन्स। तो ये रिसेप्टर्स यानी नर्व सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपके सेंस ऑर्गन्स के अंदर तैयार बैठे हैं रिसीव करने के लिए किसी भी चेंज को जो एनवायरनमेंट में हो रहा है। जैसे आपके कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके पास इंटरनल ईयर है, इनर ईयर, आपकी जो नोज़ है वो, आपकी जो जीभ है, टंग है ना, जैसे टंग में अपने पास होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि टेस्ट को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। हमारे नाक में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो स्मेल को रिसीव करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। तो
ऐसे ही हमारे स्किन होती है, उसमें थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसको रिसीव करते हैं, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज। तो इस तरह से रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑलवेज, है ना। जैसे ऑप्टिक ऑप्टिक रिसेप्टर्स हैं, ऑप्टिक सेल्स जैसे कि रॉड्स एंड कोन्स, वो हम कहाँ प्रेजेंट हैं, आइज़ में, हमारे रेटिना पर, सो दे रिसीव द लाइट। तो ऐसे ऑप्टिक रिसेप्टर्स भी है हमारे पास। ये किससे संबंधित हैं, विजुअल यानी देखने से संबंधित है, विजुअल। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी हुई है आपकी सराउंडिंग में, उस एक्टिविटी को किसने रिसीव किया, डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने क्या किया, वहाँ पर जनरेट कर दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने के पीछे केमिकल रिएक्शंस का रीज़न है, मतलब डेंड्राइट में जब कोई स्टिमुलस रिसीव होगा तो वहाँ केमिकल रिएक्शंस होंगे, और केमिकल रिएक्शंस के कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेशन होगा। दिस इम्पल्स देन ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन टू द एक्सॉन, एंड एक्सॉन से फिर आगे कहाँ जाता है, सो एक्सॉन से जाकर के फिर ये आगे नर्व एंडिंग पे पहुँचता है। सो एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। तो जब वो नर्व एंडिंग पे पहुँचता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स का रिलीज होने लगता है जिनको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, तो न्यूरो ट्रांसमीटर नाम के कुछ केमिकल्स का रिलीज होने लगता है, और इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स की हेल्प से, ठीक है, आगे जो है वो पास होता है जो नर्व इम्पल्स है। सो एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप्स एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो क्या होता है कि जैसे सपोज अपने पास ये नर्व एंडिंग है, ओके, ये नर्व एंडिंग है और यहाँ पीछे एग्जॉन है। अब नर्व एंडिंग के अंदर क्या जनरेट हो रहे हैं, हमें पता है, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स जनरेट हो गए, न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर हियर जनरेटेड। एंड इसके ठीक सामने क्या है, सामने नेक्स्ट डेंड्राइट्स हैं, ओके। नेक्स्ट वाला जो अपना न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स देन क्रॉस द गैप। अभी जो गैप दिखाई दे रहा है आपको दो न्यूरॉन्स के बीच में, यानी ये देखो ये क्या है, इधर इधर है नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, ओके, और यहाँ क्या है, डेंड्राइट, ठीक है, ये डेंड्राइट है अगला। तो बीच में आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड एज द साइनेप्स, इसको बोलते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स के थ्रू ये न्यूरो ट्रांसमीटर जाते हैं, दे गो अक्रॉस द साइनेप्स फ्रॉम ए न्यूरॉन टू बी न्यूरॉन और फ्रॉम द ए न्यूरॉन टू द मसल फाइबर, एंड सो बाय दिस वे दे क्रिएट द सेम काइंड ऑफ न्यूरल इम्पल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। अगले न्यूरॉन में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही इम्पल्स क्रिएट होता है जैसा का जैसा जैसा नर्व इम्पल्स आपने पिछले वाले न्यूरॉन में देखा था। तो दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, और गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स,
एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। एंड इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो अभी आपके साथ डिस्कस किया मैंने। इसके कारण क्या होता है, अ सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज द डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स सच एज द मसल सेल्स और द ग्लैंड सेल्स। तो ऐसा ही मसल सेल के साथ भी होगा, अगर एक न्यूरॉन के साथ एक मसल कनेक्टेड होगी तो मसल में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होगा या किसी ग्लैंड में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होगा, बिल्कुल उसी मैकेनिज्म से होगा। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का एग्ज़ाम्पल आप लिख लो, काफ़ी फेमस है, एसिटाइल कोलाइन। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे नर्व एंडिंग्स में फॉर्म होता है और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो आइए डायग्राम चेक करते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, ये तो हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी आपने देख लिया। इसमें देखिए यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है बिकॉज इट इज़ अ सेल, ये पूरा का पूरा एक सेल है। हाँ, इसका शेप जो है बहुत अलग है, इलोंगेटेड है, लॉन्ग है। और अब यहाँ देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला। तो ये बी वाला जो डायग्राम है, ए वाले में तो आपको दिखाई दे रहा था न्यूरॉन, और बी वाला जो डायग्राम है ये डायग्राम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब होता है न्यूरॉन और मसल का कनेक्शन। देखिए न्यूरॉन कहाँ है, येलो वाला पार्ट जो है ये न्यूरॉन है, और ये लाल वाला पार्ट क्या है, दैट इज़ द, ये जो आपको पिंक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है पूरा पूरा, ये क्या है, मसल फाइबर। तो मसल फाइबर के साथ कौन कनेक्टेड है, मसल फाइबर के साथ न्यूरॉन कनेक्टेड है। ओके, हाउ इट इज़ कनेक्टेड, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गई। मतलब कौन कनेक्टेड है, नर्व एंडिंग, ये तो नर्व एंडिंग आपको दिखाई दे रही होंगी, दीज आर द नर्व एंडिंग्स ऑफ द न्यूरॉन, दीज आर द नर्व एंडिंग्स, दीज आर द नर्व एंडिंग्स ऑफ द न्यूरॉन एंड दिस इज़ द मसल फाइबर। सो मसल फाइबर के मैं आपको ब्लड सप्लाई भी दिख रही होगी, ठीक है ना, ये रही ब्लड वेसल्स जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ये रही। तो अब देखते हैं दिस इज़ द एग्जॉन, हो क्या रहा है, हो ये रहा है। देखिए इसको जूम कर दिया गया है, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को यहाँ पर जूम करके दिखाया जा रहा है। तो इसमें ये हो रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता हुआ नर्व एंडिंग पर आता है, यहाँ पर आप देखते हो अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा, उस गैप को मैं एक अलग कलर से फिल करता हूँ। ये जो गैप है इसको मैं वाइट कर देता हूँ बीच में, ये गैप क्या है, दिस गैप इज कॉल्ड एज साइनेप्स, दिस गैप इज द साइनेप्स। तो साइनेप्स के थ्रू कैसे पास करा न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्स के थ्रू इसने पास किया और कहाँ चला गया, अगले मसल फाइबर के अंदर चला गया। तो यहाँ तक ये किस फॉर्म में आ रहा था, हमारा मैसेज यहाँ तक आ रहा था इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद यहाँ किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, केमिकल फॉर्म में, और फिर यहाँ इसने क्या किया, आके केमिकल फॉर्म से दोबारा से इलेक्ट्रिकल फॉर्म ले लिया। ओके, पहले किस फॉर्म में था, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद ही किस में कन्वर्ट हुआ, केमिकल में, और फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल हो गया। तो इस तरीके से ये साइनेप्स को क्रॉस करता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे, किस तरीके से न्यूरल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो आपने यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम देखा, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तब जा कर के ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा कंप्लीट होगा। सो इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। तो नर्वस टिश्यू में आपको क्या मिलेगा, नर्व सेल्स मिलेंगे जिनका नाम क्या है, न्यूरॉन्स। एंड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के फॉर्म में, एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ, ठीक है। तो आपको न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट्स दिखाई दिए थे, न्यूरॉन में पहला पार्ट क्या था जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्वायर की गई, वो पार्ट क्या था, डेंड्राइट, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को
रिसीव किया गया, उसके बाद थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बाकी पार्ट आपको दिखाई दिया, साइटॉन यानी सेल बॉडी, एक्सॉन, जहाँ से इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जा रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जा रही है ना, एंड थर्ड वेयर द इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू केमिकल सिग्नल, और वो आपको नर्व एंडिंग नाम की एक जगह मिली थी जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, एंड वी सी द ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, आगे का ट्रांसमिशन होते हुए हम देखते हैं। तो आगे इज देयर अ डिफरेंस, ओके आगे जो एक्टिविटी है नेक्स्ट वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।